रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास एक बॉल है और आपने उसको दीवार पे हिट किया तो दीवार से टकरा के वो आपकी तरफ वापस आएगा, ये होता है रिफ्लेक्शन। और अगर उसी बॉल को आपने किसी पानी के सरफेस पे फेंका तो वो बॉल उस पानी के अंदर चला जाएगा, यानी वो हवा से पानी में चला जाएगा, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में कोई भी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद सेम मीडियम वापस आ जाती है, जैसे दीवार पे बॉल मारने के बाद बॉल वापस आ गया था, जबकि रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है, जबकि रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों अलग अलग होते हैं। धन्यवाद।